मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही फिलहाल की अगर बात करें तो उन्होंने BKC में सभा की थी। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत दिनों के बाद आज मैदान में हम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक विषयों पर बोलने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज को अभिवादन करता हूँ। विपक्ष और राज ठाकरे पर हमला करते हुए उद्धव ने कहा कि जिन लोगों को महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र नहीं समझ आते उनके लिए कभी कभी बोलना पड़ता है। झूठा हिंदुत्व करने वाली पार्टी को हमारे साथ थी, उन्होंने देश का नाश किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में घंटी बजने वाला नहीं बल्कि दुश्मनों को बाहर रखने वाला हिंदुत्व चाहिए। CM उद्धव ने BJP नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए कहा, हमारा हिंदुत्व जो गदाधारी है, मैंने कहा कि हम आपके साथ थे इसीलिए गदाधारी लग रहा था, तुम्हें छोड़कर अब गदाधारी जो है गद्दाधारी हो गए हो। फिर उन्होंने कहा कि हमने गधे को लात मारकर हम आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल भट्ट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, केवल एक माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुत्व के रक्षक केवल BJP है, तो हम कौन है? हमें हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे ने सिखाया था। हिंदुत्व के अलावा और भी मुद्दे हैं जिस पर बात करना है। CM उद्धव ने कहा कि 1 मई को BJP की सभा थी, उसमें फडणवीस ने कहा कि हम मुंबई स्वतंत्र करेंगे यहाँ ही, और उनके मालिक चाहते हैं लेकिन हम उनको कह रहे थे कि अगर उनकी कई पीढ़ियाँ भी आ गई तो कुछ नहीं कर सकते। मुंबई को मराठा और मराठी मानुष के खून देकर महाराष्ट्र में लाया है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जहाँ हमारी सभा हो रही है वहाँ यह लोग बुलेट ट्रेन चाहते हैं। मुंबई से अहमदाबाद कौन चाहता है, कौन जाना चाहता है? ये सब मुंबई को स्वतंत्र करने के लिए किया जा रहा है। देश की आज़ादी में RSS का कोई लेना देना नहीं। अगर कुछ है तो बताओ, आप इस लड़ाई में थे, उस समय शिवसेना भी नहीं थी, लेकिन मेरे पिता और चाचा उस समय मेरे दादा जो है प्रबोधन का ठाकरे की मदद कर रहे थे। उस समय मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनाई गई, उससे सबसे पहले बाहर निकालने वाली जनसंघ थी। CM उद्धव ठाकरे ने कहा कि उस समय से ही मुंबई को तोड़ने का इनका मंसूबा है, यह गलती से नहीं बल्कि उनके पेट की बात थी जो सामने आ गई। दूसरा एक मुद्दा महंगाई है। हिंदुत्व के बारे में जो है गेजेस हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा है। कुछ दिन पहले PM मोदी ने 5 मुख्यमंत्री से बात की, मुझे नहीं बोलना था, मैं जो है IPL मैच देखने की तरह ये सब देख रहा था। बैठक कोरोना पर थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दर राज्य कम करे, हम जो ये हमें हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं और कोरोना की बैठक में दर कम करने को कह रहे हैं। जब भी मुंबई पर कोई संकट आता है सबसे आगे शिवसैनिक रहते हैं। CM उद्धव ने कहा कि पिछले 25 साल हम संग जो है गठबंधन में जो है सड़ गए, अब हम इसका जो है विकृत चेहरा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यही लोग हैं जिनके साथ हम थे। हमारा सामना अखबार में जो हम लिखते हैं वो देश के लिए लिखते हैं, लेकिन उसमें भी हम किसी के परिवार या परिवार वालों के बारे में नहीं लिखते, यह हमारा संस्कार है। हाल ही में पुरानी एक वीडियो सामने आई जिसमें पेट्रोल में 7 पैसे बढ़ने पर अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी से सांसद जाकर इसका विरोध किया था। अब इन्हें क्या हुआ? उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो कह रहे हैं कि यह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, क्या वह खुद अटल बिहारी वाजपेयी वाली BJP है? हम झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलना इनको हिंदुत्व में आता है, हमारे में नहीं। राहुल भट्ट को कार्यालय में घुसकर मारा गया, क्या अब उस कार्यालय पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए? इन आतंकवादियों को मारने के बाद नहीं बल्कि दफ्तर आने से पहले मारना चाहिए, क्या यह कश्मीर फाइल के आगे की कहानी है?
मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई पर क्यों ना बोले। जिन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की, गैस 1000 रुपये है, आज़ादी को 75 साल हुए, $1 की कीमत अब 77 रुपये हो गए हैं। मैं संभाजीनगर यानी औरंगाबाद कहता हूँ, वहाँ ओवैसी गया औरंगजेब के दरगाह पर, और ये सब उनके ABC टीम है। कोई औरंगजेब के यहाँ जाता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई मुंह पर टमाटर सॉस लगाकर कहता है कि मुझे मारा गया। इन्हें Z+ सुरक्षा और कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं। लोगों के पैसे से जिन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए उन्हें नहीं दे रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं। ये लोग हमारे हिंदुत्व पर बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के साथ गए लेकिन हमारे हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। हिंदुत्व को कोई धोती नहीं जिसे छोड़ सकते हैं, तुम छोड़ सकते हो, हम नहीं छोड़ सकते। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हम बोलकर कांग्रेस के साथ गए थे, तुम्हारी तरह सुबह शपथ नहीं लिया था। मैं NCP के साथ गया तो गलत, तुमने जो है सुबह शपथ लिया उसका क्या? NDA में तुम्हारे अब कितनी पार्टियां हैं? मैं पहले एक ही बैठक में गया, 30 में से 35 लोग थे, सब NDA के सहकारी, लेकिन इसमें कितने लोग हिंदूवादी है? क्या नीतीश कुमार हिंदूवादी है? RSS मुक्त भारत उन्होंने कहा था, उन्होंने अब भी लाउडस्पीकर मुद्दे को बकवास जो है कहा है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा, उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती के साथ ये रह गए हैं, क्या वो भारत माता की जय कहते हैं? उसके बाद इनका कहना है कि हमें सरकार स्थापना पर दिखाना चाहिए, उन्होंने कहा कि दिखाना चाहिए, इसीलिए मुफ्ती के साथ कहे। लेकिन मैं देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहता हूँ कि मुफ्ती में कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होने के लिए पाकिस्तान और अलगाववादियों को धन्यवाद देता, तब तुम्हारे लोग जो है लोग भी वहाँ पर थे, या ये हिंदुत्व है? और उन्होंने फिर आगे कहा कि कहते हैं कि हम बाबरी नहीं गए थे, ये गए थे। उन्होंने कहा फडणवीस तब स्कूल से पिकनिक में गए थे क्या? अगर फडणवीस वाकई जाते और पढ़ते तो उनके जो है उनके वजन से बाबरी गिर जाती। कोई कुछ भी कह रहा है, अब ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं केवल ढांचा था, करोड़ों की संख्या में सबको अयोध्या बुलाया गया था। आडवाणी ने कहा कि जिन्होंने बाबरी तोड़ा वो मराठी में बात कर रहे थे, प्रमोद महाजन की यह लोग बात नहीं सुन रहे थे। अगर ये उनकी बात जो है हजन नहीं सुन रहे थे और मराठी बोल रहे थे तो ये किसके लोग थे? बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि शिवसेना के लोगों ने अगर ये गिराया है तो मुझे अभिमान है। इसके बाद उस दिन मुझे उन्होंने कहा था कि यह उनका क्या नेतृत्व है, उनका क्या नेतृत्व है? नेतृत्व का लक्षण ये नहीं कि लोगों को भड़काने के बाद जिम्मेदारी से भाग जाना, तब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। कल फडणवीस दोबारा उत्तर सभा लेने वाले हैं तो क्या उसके बाद हम उत्तर दें? यही चलता रहे, उत्तर देना है तो महंगाई कम करें और उत्तर दें। अभी से लेकर आपको बता दें कि जो है चित्रा किशोर वर्ग ने ट्वीट करके लिखा है, क्योंकि इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, कि आप इतिहास के पन्नों में सबसे बुरे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाएंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ दिए गए भाषण को एक और कटाक्ष बम करार दिया है और कहा है कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जो है मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कुछ दल फर्जी हिंदुत्ववादी के जरिए गुमराह कर रहे हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ऊंची राजनीति करने का आरोप लगाया था। रैली के बाद फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि यह एक और कटाक्ष बम निकला, इसका करारा जवाब मिलेगा। भाजपा नेता ने पूर्व में ठाकरे पर लोगों से जुड़े मुद्दे पर बोलने के बजाय विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष करने का आरोप लगाया था। अब ऐसे में भाजपा के नेता और प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस हालिया दावों का जो है मजाक उड़ाते हुए अयोध्या के बाबरी मस्जिद के दौरान मौजूद थे। ठाकरे ने पूछा था कि क्या ये स्कूल पिकनिक पर गए थे या कुछ जो है दर्शनीय स्थलों पर यात्रा के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र देखो और ये कितना बड़बड़ाता है। अपने चचेरे भाई का नाम लिए बिना भी ठाकरे ने उनकी तुलना संजय दत्त के चरित्र से कर दी थी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आज देवेंद्र फडणवीस जो है उद्धव ठाकरे दिए गए हर बयान का खुलकर
जवाब देने वाले हैं। देखिए इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस जल्द ही बयानबाजी करने वाले हैं और इसे लेकर जवाब देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही उद्धव ठाकरे का जनसभा खत्म हुआ, वैसे ही इस पूरे मामले पर शिवसेना के नेता संजय राउत के तरफ से भी ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि शिवसेना जिंदाबाद, ये महासागर को कैसे रोक पाओगे, लड़ना है तो मैदान में आइए, जय महाराष्ट्र। यही नहीं, जनसभा से पहले भी संजय राउत ने कई सारे ट्वीट किए थे और कहा था कि ये जनसभा क्रांतिकारी और ऐतिहासिक होने वाली है और इस जनसभा में उद्धव ठाकरे हर बात को जो है, हर जितना भी जो मुद्दा है उस पर खुलकर बात करने वाले हैं। और उन्होंने कहा था कि राज्य को अस्थिर लोग करना चाहते हैं और इन सभी प्रश्नों को लेकर उद्धव ठाकरे करारा जवाब देने वाले हैं। बता दें कि मोहित कंबोज ने भी ट्वीट करके जो है लिखा है इस पूरे मामले पर कि आज के शिवसेना की बीकेसी सभा को टोवड़े सभा जो है नाम के तौर पे याद रखा जाएगा। जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, कल तक इंतज़ार करें। साथ ही उन्होंने इस दौरान जो है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी टैग किया। अब ऐसे में आपको बता दें कि आपको हमने ये पूरा जो मामला है बड़े विस्तार से बता दिया है कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, देवेंद्र फडणवीस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, मोहित कांबोज ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, संजय राउत ने क्या कहा है और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया है कि आज देवेंद्र फडणवीस इसको लेकर जवाब भी देने वाले हैं। तो ऐसे में अब देवेंद्र फडणवीस का क्या कुछ जवाब आता है, इसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।